नमस्कार, आप देख रहे हैं जो वॉइस। में हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। सीधा रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर हरदोई से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के नए कारनामे का खुलासा हुआ है। जी हां, जहां ब्लड बैंक के गेट पर लाल खून का काला कारोबार चल रहा था। मामले के प्रकाश में आने के बाद जिम्मेदार अफसरों ने कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कोतवाली में तहरीर देने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने मामले की जांच भी फिलहाल शुरू कर दी है। ब्लड यहाँ जमा करने आए थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ये बाद में इसको चढ़ाया जाएगा। जब वह यूनिट की जांच की गई तो मालूम चला कि वह यूनिट ना तो हमारे यहाँ का है, क्योंकि उस यूनिट पे एक सेगमेंट नंबर है वो हमारे यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। दूसरी बात, इनके हाथ में एक रसीद जो वाउचर था उसका जो नंबर है वो भी हमारे यहाँ के वाउचर से मैच नहीं कर रहा है। मरीज का रिकॉर्ड भी नहीं मैच कर रहा है, तो इससे मालूम चला कि ये कहीं बाहर से ब्लड आया है। और रही बात इसकी गुणवत्ता की, तो इसके लिए बाहर भेजा जाएगा और जो रिपोर्ट आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। कोई ग्रोह सक्रिय हो सकती है, क्योंकि यह यूनिट हमारे यहाँ का नहीं है। तो अब ये हमें पता लगाना होगा कि ये आया कहाँ से है और कितने लोग इसे सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी में एडमिट है। उनका नाम कृष्णमारी मिश्रा है। उनके लिए ब्लड डॉक्टर साहब ने बताया कल कि वो ब्लड कर दीजिए। ब्लड के लिए रिश्तेदार उनके थे, उन्होंने कहा ब्लड दे जाएंगे कटिया नर्सिंग होम से। तो कितने पैसे लेंगे? 7,000 रुपया लेंगे। उन्होंने बुलाया हमें, 7,000 रुपया कटिया नर्सिंग होम में लिए। एक शिवा नाम के लड़के से संपर्क कराया, कहा कि हम जा रहे हैं फरखाबाद, ये तुमको ब्लड दे देंगे। शिवा ने हमको 10 बजे रात में ब्लड दिया सरकार अस्पताल में आकर के, और यहाँ से चले गए, 7,000 रुपया ले लिए चले गए। उसके बाद में जब डॉक्टर साहब से मैंने कहा सर ब्लड चढ़ाइए, डॉक्टर साहब ने ब्लड नहीं चढ़ाया, कहीं रात में नहीं चढ़ाए, सुबह चढ़ाएंगे। तो हम इमरजेंसी में डॉक्टर साहब के पास गए, उनसे बोले तो कहने लगे जाइए ब्लड अभी चढ़ेगा तुम्हारा। कहने फला डॉक्टर बैठे हुए हैं, चढ़ा अभी चढ़ाएंगे। वहाँ फिर वक्त गए तो उन्होंने कहा नहीं रात में नहीं चढ़ाएंगे, चढ़वाना चाहते हो तो लिखित दीजिए, तुम्हारा मरीज में कुछ हो जाए हम जिम्मेदारी नहीं। तो हमने कहा किस तरीके का ब्लड था वो, क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब उसकी गुणवत्ता जाँच के बताएंगे ब्लड। तो खबर हरदोई से है, जहां स्वास्थ्य विभाग का बड़ा खेल सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता आनंद त्रिवेदी का। आनंद, क्या कुछ ये पूरा मामला है हरदोई से, जहां स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है, ब्लड बैंक को लेकर कुछ खेल चल रहा है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, आपको बता दिए पूरा मामला हरदोई के मेडिकल कॉलेज जहाँ पे ब्लड बैंक स्थित है। यहाँ पे ये जो ब्लड बैंक है, यहाँ पे जो खून दिया गया है और 7,000 रुपए में ये मरीज को खून की आवश्यकता पड़ी, 7,000 रुपए में यहाँ से खून बेचा जा रहा है। इसके बाद में आपको बता दें कि अभी तक जो खून का कारोबार हरदोई में शुरू हो गया, अभी तक चलो शराब का कारोबार था, चरस गांजे का कारोबार चलता था, काला कारोबार, अब काला कारोबार खून का भी यहाँ हरदोई में शुरू हो गया। हालांकि इस पे जो सहमत है उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जो आपको बता दें कि जो खून का जो पैकेट है, मरीज को जो खून की जरूरत पड़ी, जब वो खून लेने आया तो उसने एक पैकेट का 7,000 रुपए जो कुछ खून का दिया है। हालांकि जब उस पर जो पर्ची लगी तो मेडिकल कॉलेज की लगी हुई थी, जो रसीद थी वो भी मेडिकल कॉलेज की। तो लेकिन जो यहाँ पे जो ब्लड बैंक के जो इंचार्ज है उन्होंने बताया है कि ये रसीद तो जरूर अस्पताल की है, लेकिन जो खून है वो अस्पताल का नहीं है। अभी मेरी 10 मिनट पहले ही यहाँ जो लैब के इंचार्ज है कि उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि जो खून है वो असली खून नहीं था। हालांकि उस खून में भी कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखने की बात यह है कि ये गृह जनपद स्वास्थ्य जो डिप्टी सीएम है बृजेश पाठक, उनका ये गृह जनपद है, उन्हीं के गृह जनपद में खून का काला कारोबार चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो ये ब्लड बैंक है ये लगातार सुर्खियों में बना रहता है। इससे पहले यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे मारपीट भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई का सबूत नहीं आया है। लेकिन हालांकि सीएमओ ने आदेश दिया है कि इसमें जांच करके कार्रवाई। बिल्कुल अनंत, जिस तरह से आपने बताया, हालांकि सीएमओ के संज्ञान में अब ये पूरा मामला है और जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अगर बात करी जाए क्या कुछ कदम अभी तक उठाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, सीएमओ द्वारा? देखिए, सीएमओ की तरफ से सिर्फ यही एक कदम उठाया गया कि जांच की जाएगी, लेकिन जांच के नाम पे अभी तक कई ऐसे मामले आए हैं, जैसे यहाँ मारपीट हुई, कई बार ऐसे खून के मामले आ चुके हैं, लेकिन उसमें सिर्फ यही कहा जाता है कि जांच की जाएगी, लेकिन जांच के नाम
जो जांच होती है वो दिन और रात दिन रात गुजरते चले जाते हैं, लेकिन जांच पूरी नहीं हो पाती, जांच ठंडे बस्ते में चली जाती। तो कहीं ना कहीं लाभ तौर पर है देखने को मिलता है कि जो यह जो सीएमओ है उनकी लापरवाही सामने नजर आती है और यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो भी इसका ध्यान नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल अनंत, आपने बताया कि कई बार शिकायत की गई है, कभी मारपीट की, कभी और इससे पहले भी फर्जी खून का जिस तरह से यहाँ पर धंधा चल रहा है, लेकिन सीएमओ से कई बार शिकायत के बावजूद कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया गया। क्या कुछ वजह इसके पीछे माने, और क्या जो आला अधिकारी है, जो उच्च स्तर के अधिकारी है, उनका क्या कुछ कहना है, क्या उनके संज्ञान में मामला है? देखिए अभी आपको बताया, अभी मुश्किल से महज एक महीना पहले डीएम साहब का भी निरीक्षण हुआ था, और यहाँ जो हरदोई के प्रभारी मंत्री बने हैं असीम अरुण, जो पूर्व आईपीएस रहे हैं, वो भी यहाँ पे आए थे, ब्लड बैंक में उन्होंने ब्लड भी डोनेट किया था, लेकिन उसके बाद में जो प्रभारी मंत्री वो भी सुख नहीं ले रहे हैं, डिप्टी सीएम है जो उत्तर प्रदेश के वो भी सुख नहीं ले रहे हैं, जब नेता नहीं ले रहे हैं तो अधिकारी क्या सुख लेंगे। लगातार यहाँ लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन इसमें कार्रवाई के नाम पर शून्य नजर आ रहा है। बिल्कुल यही वजह है अनंत, की कई तरह के सवाल या निशान प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। अनंत आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आप सभी को बता दें, मुख्य आरोपियों की तस्वीर अब सामने आ गई है। जी हां, आरोपी अब्दुल हमीद के घर की छत पर यह पूरा मामला हुआ था। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बहराइच हिंसा से जुड़े मामले में जो मुख्य आरोपी है, अब उनकी तस्वीर भी सामने आ गई है। आरोपी अब्दुल हमीद के घर की छत पर दिखे विसर्जन के दौरान रामगोपाल को गोली मारी गई थी। तो बहराइच की गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही है। बहराइच हिंसा के दौरान एक युवक रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान जो मुख्य आरोपी है, अब उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। वहीं पुलिस इस दौरान मामले की जांच कर रही है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से काफी ज्यादा दूर है। हालांकि अब बहराइच हिंसा मामले में जो मुख्य आरोपी हैं, उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तो बहराइच में कुछ दिन पहले मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है, इस दौरान दो समुदाय के बीच झड़प होती है और झड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक युवक रामगोपाल मिश्रा को कुछ लोग गोलियों से छलनी कर देते हैं। वही खबर लखनऊ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। मीरापुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में टिकट पर फैसला लिया जाएगा, सभी टिकट के दावेदार भी बैठक में शामिल होंगे। तो समाजवादी पार्टी की जो कवायद है चुनाव की तैयारी को देखते हुए तेज हो गई है। यूपी में उपचुनाव को लेकर डेट आने के बाद से ही तमाम राजनीतिक दलों में हलचल पूरी तरह से तेज है। 13 नवंबर को यूपी की 9 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी 13 नवंबर को यूपी की जो 9 सीटें हैं उनमें वोटिंग होगी। ऐसे में मीरापुर सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी आरएलडी को दी है। वहीं दूसरी तरफ मीरापुर सीट को लेकर अखिलेश यादव ने भी बड़ी बैठक बुलाई है। मीरापुर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। सीधा रुख कर लेते हैं रमन मिश्रा का। रमन, अब उपचुनाव की जैसे जैसे तारीख पास आ रही है, हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। अगर मीरापुर सीट की बात करें तो मीरापुर वो सीट है जिसे बीजेपी ने अपने सहयोगी आरएलडी को दिया है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। बिल्कुल, अब जो उपचुनाव होने थे उनका चुनावी शंखनाद हो गया है, और इससे पहले ही होल्ड सीट मिल्कीपुर को लेकर लगभग कुल मिलाकर 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया था, और 4 सीटें ऐसी बची हैं जिन पर अभी अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की थी, जिसमें माना जा रहा है खैर और गाजियाबाद सीट कांग्रेस के कोटे में देने की तैयारी है। वहीं कुदुरकी और मीरापुर को लेकर मंथन चल रहा है। आज अखिलेश यादव ने मीरापुर के पदाधिकारियों और आवेदकों, जो लोग वहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी बैठक बुलाई थी। अखिलेश यादव ने यहाँ मीरापुर में चुनाव लड़ने वाले लगभग 28 से 30 आवेदक हैं, और सभी से अखिलेश यादव ने व्यक्तिगत मुलाकात करी और सभी से वहां का गुणागणित जाना कि कैसे आप चुनाव जीतेंगे, कैसे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप वोट को बढ़ाएंगे।
वहीं अखिलेश जहां पर आज माना जा रहा था कि आज ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी, वहीं अखिलेश यादव ने सभी आवेदकों को अभी 1 से 2 दिन इंतजार करने का समय दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जल्द ही नाम की घोषणा करेंगे और जिसके भी नाम की घोषणा होगी उसे सभी आवेदक सभी जितने भी सपा के नेता हैं सभी ने 13 नवंबर को वोटिंग है और 25 अक्टूबर को जो है नामांकन की आखिरी तिथि है। ऐसे में क्या माना जाए, हलचल कितनी ज्यादा तेज, और क्योंकि 6 सीटों पर अखिलेश यादव पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुके हैं, हालांकि मीरापुर एक ऐसी सीट है जिस पर अभी प्रत्याशी के नाम का ऐलान बचा हुआ है, तो क्या इस वजह से मीरापुर के लिए बैठक, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहयोगी RLD को ये सीट जो है इसका जिम्मा सौंपा है, तो किस तरह से मीरापुर का रण, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से जो 4 सीटों पर अभी अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, क्या समाजवादी और कांग्रेस के बीच में कुछ बैठकों का सिलसिला? तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव भी इंतजार कर रहे हैं कि मीरापुर सीट से RLD किसे प्रत्याशी बनाती है, और अगर प्रत्याशी जिस तरीके से RLD प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी उस गणित के हिसाब से समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को देगी। आपको बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव में जो RLD सीट जीत चंदन वहां से जो अभी सांसद हैं वो विधायक बने थे उस समय समाजवादी पार्टी से ही गठबंधन था, ऐसे में वहां पर एक नया प्रत्याशी उतारना है, इसलिए अखिलेश यादव खोक कर चाल चल रहे हैं कि कहीं एक भी दांव गलत ना हो जिसके चलते मीरापुर सीट RLD के कोटे में चली जाए। वही बात है खैर और गाजियाबाद सीट की, तो माना जा रहा है कि गाजियाबाद सीट लगभग समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देने के मूड में है, वहीं खैर सीट पर भी खैर और मीरापुर पर कांग्रेस ने दावा ठोका था, लेकिन मीरापुर को लेकर समाजवादी पार्टी ने एकदम से स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि ये सीट आपको नहीं दी जाएगी। ऐसे में खैर को लेकर भी अभी जो है वो चीजें अभी बातचीत चल रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं में मंथन हो रहा है, और माना जा रहा है कि अंततः खैर और गाजियाबाद सीट कांग्रेस के कोटे में जाएगी और कुंजुर की मीरापुर पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी। बिल्कुल यानी उपचुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति यहां पर इस बैठक में बनाई जाती है उसके लिए यहां पर इंतजार करना पड़ेगा, और साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात बन पाती है उसके लिए भी इंतजार। रमन बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस और पाली को शास्त्रित भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में कहा कि अभिधम दिवस हमें याद दिलाता है कि करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले 2021 में कुशीनगर में ऐसा ही आयोजन हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है कि वहां उस आयोजन में मैं शामिल हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के साथ जुड़ाव की जो यात्रा मेरे जन्म के साथ शुरू हुई है वो अनवरत जारी है। हमें याद दिलाता है कि करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले 2021 में कुशीनगर में ऐसा ही आयोजन हुआ था। वहां उस आयोजन में भी मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला था, और ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के साथ जुड़ाव की जो यात्रा मेरे जन्म के साथ ही शुरू हुई है वो अनवरत जारी है। मेरा जन्म गुजरात के उस वडनगर में हुआ जो एक समय बौद्ध धर्म का महान केंद्र हुआ करता था। उन्हीं प्रेरणाओं को जीते जीते मुझे बुद्ध के धम्म और शिक्षाओं के प्रसार के
इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। साथियों, इस वर्ष अभिधम्म दिवस के आयोजन के एक साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी जुड़ी है। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं, जिस पाली भाषा में ये विरासत विश्व को मिली है, इसी महीने भारत सरकार ने उसे क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। और इसलिए आज ये अवसर और भी खास हो जाता है। पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का ये दर्जा, शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा, पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।